यानी कि हमें फिलअप्स को फिल करना है। यहाँ पे कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में हमारे पास क्लाउड दिया हुआ है, यानी कि कुछ क्लाउड्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि दो वर्णों के शब्द, दो अक्षर वाले शब्द दिए हुए हैं, जैसे है रे हर ये ने यन टे रे टर है ले हल ले शे लश से ले सल टे ने टन डे के ड ले मै लम वे ने वन मै के मक गे डे गड। और यहाँ पे हमारे पास फिलअप जो दिए हुए इनका जो पहला अक्षर है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि दिया हुआ है, पहला अक्षर सभी में दिया हुआ है। हमें पहले अक्षर के साथ हमें इन क्लाउड्स में से क्या करना है, क्लाउड्स में से किसी भी वर्ड को यहाँ पे जोड़ना है, जो सुटेबल होगा उसको जोड़ना है और एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारे पास आता है शे और है और रे को अगर हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, है और रे, तो हमारा वर्ड बन गया शह है रे शहर, यानी कि सिटी। तो हमारा ये मीनिंगफुल वर्ड है, ओके, इस तरीके से। और यहाँ से क्लाउड में से हम, जैसे मैंने हर इसके साथ लिया है, किसी और के साथ भी अगर वो जुड़ता है तो हम उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ने, ने के साथ आप देखिए ने है रे नहर भी बनता है, यानी कि क्या नाम, ठीक है। और यहाँ पे यह ने नयन, तो हम यह ने ले लेते हैं, यहाँ पे नयन यानी कि आईज जो आपके होते हैं उनको हम नयन भी बोलते हैं, तो यह और ने को राइट कर देंगे, ने ये ने नयन यानी कि आईज। नेक्स्ट बे बे है ले बहन नहीं बनता है कुछ भी, बे टेर बटर नहीं, इंग्लिश में होता है बटर, हिंदी में हम बटर को मक्खन बोलते हैं तो हिंदी में हम बटर नहीं बोलते हैं। बैल है बलस भी नहीं बनता है, यहाँ पे बनेगा बै टे ने बटन, टे और ने को हमने ऐड कर दिया है ब के साथ, तो हमारा मीनिंगफुल वर्ड बन गया है बै टे ने बटन, जो आपकी ड्रेसेस में लगे होते हैं बटन। नेक्स्ट है से डे के सड़क बन जाएगा हमारा डे देन के सड़क यानी कि रोड, ओके सड़क। नाउ मैं टेन है मटन नो, मैं डे के मडक नो, मैं वैन है मवन नो, मैं है ले महल यानी कि पैलेस जिसमें कौन रहते हैं राजा और रानी महाराज जो रहते हैं उनको बोलते हैं पैलेस यानी कि महल। नेक्स्ट के मैं के कमक के डे के कड़क नो, कड़क भी हो सकता है जैसे चाय बहुत ज्यादा कड़क होती है, कड़क भी ठीक रहेगा इसके लिए। के ले शे कलश, ओके तो कोई भी हवन वगैरह कराते हैं तो उसमें कलश रखा जाता है तो उसको हम लिख देते हैं के ले और शे कलश। नाउ नेक्स्ट टे, नाउ नेक्स्ट टे टे वे ने टवन नो, टे ने के टमक नो, टे है और ले को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा टहल यानी कि वॉक करना चलना टहल, ओके। नाउ नेक्स्ट है वे ने हवन है, वे ने है यहाँ पे वे और ने यहाँ से उठा लेंगे हम और यहाँ पे हम राइट कर देंगे है वे ने हवन करना यानी कि पूजा करना, पूजा पाठ करते हैं उसको हवन बोलते हैं। नेक्स्ट है कै, हमारे यहाँ पे कै और लैश है हो गया कलश, तो हमें यहाँ कै के साथ कुछ और नेक्स्ट वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे जो इससे कलश से डिफरेंट हो। कै ले मैं कलम भी जोड़ सकते हैं, कलश हमारा हो चुका है। कै ले मैं कलम, ओके इस तरीके से हम आप इनको कंप्लीट करेंगे। कै ले मैं नेक्स्ट वे ने मैं के अभी रहता है चे, चे के साथ हम किन को जोड़े चे वे ने चवन नो, चे मैं के चमक यानी कि कुछ चमकना ब्राइट करना, चे मैं के चमक यानी कि कुछ चमकना ब्राइट करना। नाउ नेक्स्ट फे
फसल ना पे फे से और ले को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा फसल यानी कि क्रॉप्स, ठीक है, जो हम खेतों में उगाते हैं फसल, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, ठीक है। नेक्स्ट रे, रे है, रे रे है, कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं बनता है। रे यन रयन नहीं, रे टे रे रटर नो, रे है ले रहल नो। तो अगर हम रे के साथ गे और डे जोड़ देते हैं तो रगड़, रे गे और डे रगड़ यानी कि रगड़ना, रब करना, ओके। तो इस तरीके से हमारे ये फिलिप्स राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के दोनों के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।